तो कैसे लगे दोस्तों अनबॉक्सिंग के वो वीडियो? अरे भाई वही वीडियो जिनमें आपने ओप्पो रेनो 7 की अनबॉक्सिंग देखी है, जिसमें ऐसे मुंह फैलाते हैं जानो मोबाइल की जगह कैडबरी देख ली हो, और प्रशंसा भाई साहब इतनी ज़्यादा करते हैं कि एक भी कमी नहीं है फोनों में। जी हाँ गाइस, ओप्पो नहीं बाकी सभी मोबाइल कंपनियाँ बड़े बड़े यूट्यूबर को पैसा देती हैं कि जितनी भी ऑडियंस आपकी देख रही है उसके सामने आप इस फोन को लेकर के उसकी बड़ाइयाँ बताइए। वेल दोस्तों, बड़ाई तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन चलिए आज मैं आपको कमियाँ बता दे रहा हूँ ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो केवल 40,000 रुपए में। दोस्तों बढ़ाइए तो आपने कूट कूट के सुन ली होगी, लेकिन चलिए दोस्तों आज आप इनकी कमियां भी सुन लीजिए। फर्स्ट, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। अरे ओप्पो भाई, इतनी कम रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले लगाने की क्यों क्या जरूरत थी? भाई सब आपको पता कि 2 साल पहले रियलमी ने अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था जिसका नाम था रियलमी 6, और पहला स्मार्टफोन था जिसमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट थी। देख लो ओप्पो वालों को 2 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सेकेंड, 4500 mAh की बैटरी। वाह। तो दोस्तों आज के युग में देखा जब सभी मोबाइल कंपनियां अपनी बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, फिर वो चाहे Xiaomi हो, चाहे Poco हो, चाहे Realme हो, और Samsung ने ऑलरेडी तहलका मचा दिया वो 6000 mAh की बैटरी के साथ। आज के युग में देखा जाए तो दोस्तों सभी मोबाइल कंपनियां 5000 mAh की बैटरी में वर्क करना बंद कर दिया है। सभी कंपनियां अपने मोबाइल की बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, चाहे Xiaomi हो जो कि 5000 mAh से ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी बनाती है, और Samsung ने ऑलरेडी 6000 mAh की बैटरी बना चुकी है। और यहीं ओप्पो वालों को देख लीजिए, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है और ये पीछे जा रहे हैं, मतलब 2 साल पुराने सस्ती टेक्नोलॉजी को ये 40,000 में बेच रहे हैं। थर्ड, कैमरा। भाई साहब ओप्पो कहती कि हम अपने फोन स्पेशली कैमरा के लिए बनाते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। 32 MP फ्रंट, 64 MP का बैक, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का माइक्रो। यहाँ पता है कि सोनी का सेंसर यूज किया है, पर पिक्सल का क्या? तो दोस्तों इस फोन से अच्छा तो वीवो V23 का फोन है जिसका प्राइस 30,000 है। अब इस 40,000 के फोन से तो अच्छा ही है, उसमें 50 MP का फ्रंट कैमरा है, 108 MP का बैक, इस फोन में 2 MP का माइक्रो। अब अगली बात करते हैं बैटरी की मटेरियल की। दोस्तों आपको पता हो कि Xiaomi ने अपना एक फोन लॉन्च किया था जिसका नाम था Xiaomi 11i हाइपर चार्ज। अब दोस्तों हाइपर चार्ज उसने इसलिए कहा था कि उसमें 120 वाट का फास्ट चार्जिंग था, क्योंकि 15 मिनट में फोन चार्ज हो जाता था, और उस फोन की प्राइस थी 25,000 रुपए, और वह फोन हीट भी नहीं होता था क्योंकि दोस्तों उसकी बैटरी के मटेरियल में लिथियम के साथ साथ ग्राफीन का यूज किया गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल होता जो कि कभी हीट नहीं होता, यानी उस फोन को फास्ट चार्जिंग करने पर वो हीट नहीं होता था, इसलिए दोस्तों वह फोन 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता था और हीट नहीं होता था। अब बात दोस्तों अगर ओप्पो की जाए तो इसमें केवल 44 या शायद 64 वाट का फास्ट चार्जिंग है, और कंपनी ने कहा कि यह क्विक चार्जिंग करता है। बट दोस्तों अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो इसकी बैटरी लिथियम की बनी हुई है, इसमें कहीं भी ग्राफीन का यूज नहीं किया गया है। आप खुद जान सकते हैं कि इसको फास्ट चार्जिंग करने में कितना हीट होने वाला है, इसलिए दोस्तों मैं घटिया चार्जिंग और हीटिंग के मामले में इसे 10 में से 10 नंबर दूंगा। तो ये रही दोस्तों ओप्पो रेनो 7 और 7 प्रो की कुछ कमियां। लेकिन दोस्तों यदि आप पूछेंगे मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, तो मैं कभी भी इस फोन को बाय करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि दोस्तों यदि 40,000 के फोन में कोई नई टेक्नोलॉजी यूज की जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। दोस्तों जब आप इस फोन को लेकर मार्केट में घूमेंगे, वहीं सामने कोई बंदा 20 से 25,000 के अच्छे स्पेसिफिकेशन और नई टेक्नोलॉजी का फोन लेकर घूमेगा, तो आपको खुद वेस्ट ऑफ मनी फील होगा। बाकी दोस्तों यदि आप फिर भी इस फोन को बाय करना चाहते तो वो तो आपकी मर्जी है। और दोस्तों ऐसी ऑनेस्ट ओपिनियन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी इस फोन को खरीदना चाहते हैं।